learners, welcome to Pathway Classes. So this side Priyanka Kukreti and today's topic is wage theories, and this is a part of labor welfare subject and this is the 455. So if you are preparing for UGC NET exam for June 2020, you can follow me here because I am providing both the paper 1 as well as paper 2, and the paper 2 is code 55. So I am providing code 55 all the topics. Okay, so let's start with the topic. सब्सिस्टेंस थ्योरी. सब्सिस्टेंस थ्योरी से पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि ये जो वेज थ्योरी है बेसिकली लेबर्स के लिए बनी गई है. ठीक है, जो लेबर्स हैं हमारे उनको जो सैलरी मिलती है, दैट मीन उनको जो वेजेस मिलते हैं कंपनी से, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो मंथली बेसिस पे भी हो सकते हैं, डे टू डे बेसिस पे भी हो सकते हैं एंड वीकली बेसिस पे भी हो सकते हैं. वो एक ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम अंडरस्टैंड करते हैं, मतलब उसके पॉलिसीज़ होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, उनके अकॉर्डिंग ही उनको वेजेस मिलते हैं लेबर्स को. तो सब्सिस्टेंस थ्योरी में चलते हैं हम. सब्सिस्टेंस थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जिसमें कि बोला गया है कि जो लेबर हैं उनको सब्सिस्टेंस लेवल से ज़्यादा सैलरी मिलनी चाहिए. दैट मीन्स उनको जो सैलरी है वो सब्सिस्टेंस लेवल से ज़्यादा मिलनी चाहिए, सो दैट उनका जो बेसिक नीड है, जैसे कि लैंड होता है और हमारा हो गया फूड हो गया, ठीक है, शेल्टर हो गया, कुछ चीज़ें जो वाटर हो गया, ये कुछ चार पांच चीज़ें फुलफ़िल हो जाएं. ठीक है, तो इसीलिए उनको बोला गया है कि सब्सिस्टेंस लेवल से ज़्यादा उन्हें सैलरी मिलनी चाहिए, पे उन्हें मिलना चाहिए. तो ये जो थ्योरी है ये प्रोफाउंड किन्होंने करी है, डेविड रिकार्डो ने. ठीक है, फर्स्ट वन इज़ दिस. तो अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या बोला गया है. इट एक्चुअल वेजेस आर हायर देन द सब्सिस्टेंस लेवल. सब्सिस्टेंस लेवल से ज़्यादा होने चाहिए, देन द पॉपुलेशन विल इंक्रीज, लीडिंग टू इंक्रीज इन द लेबर सप्लाई एंड द लोअर वेजेस, सो दैट जो लेबर हैं वो अपना बेस्ट दे सके. इफ़ इन द अदर हैंड द एक्चुअल वेजेस फॉल बिलो द सब्सिस्टेंस लेवल, अगर वो सब्सिस्टेंस लेवल से कम होगा तो पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी, ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगी, और जो सैलरी होगी वो जो वेजेस होंगे वो राइज करने पड़ेंगे उनको, क्योंकि जो लेबर हैं वो नहीं मिल पाएंगे. ठीक है, और फिर उससे क्या होगा, और मिलेंगे भी तो फिर वो ज़्यादा पे मांगेंगे, तो इसीलिए राइज हो जाती है सैलरी, राइज हो जाती है वेजेस, एंड जो सप्लाई होता है वो डिक्लाइन हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. सिंस देयर इज़ अ टेंडेंसी ऑफ द वेजेस टू रिमेन फिक्स्ड एट द सब्सिस्टेंस लेवल, तो एक प्रॉपर एक मेंटेन रखना है सब्सिस्टेंस लेवल जो थ्योरी है बेसिकली वो ये बोला गया है कि फिक्स्ड होनी चाहिए सैलरी, सो दैट जो लेबर हैं वो भी खुश रहें और अपना काम अच्छे से करें ऑर्गेनाइजेशन के लिए. एंड इसका इसको हम दो नेम से और जानते हैं, फर्स्ट वन इज़ आयरन लॉ ऑफ वेजेस एंड सेकंड वन इज़ ब्रेजन लॉ ऑफ वेजेस. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है. ठीक है, सो नेक्स्ट हम चलते हैं वेज फंड थ्योरी. वेज फंड थ्योरी में क्या बोला गया है कि जो भी फंड मिलता है, ठीक है, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन का फंड होता है उसके अकॉर्डिंग ही सैलरी मिलनी चाहिए. सपोज़ ऑर्गेनाइजेशन का फंड ज़्यादा है, ठीक है, उनका पैसा ज़्यादा है, ठीक है, तो वो सैलरी को उनको ज़्यादा देना चाहिए, ना कि उन्हें कम देना चाहिए लेबर्स को. और अगर उनका फंड कम है तो उन्हें कम ही मिलना चाहिए, मतलब वाइस वर्सा हो जाएगा. तो यही बोला गया है इसमें वेज फंड में. सो दिस थ्योरी वॉज डेवलप बाय द एडम स्मिथ. एडम स्मिथ ने ये डेवलप की है 1723 से 1790 तक, एंड हिज थ्योरी वॉज बेस्ड ऑन द बेसिक अजम्पशन दैट द वर्कर्स आर पेड वेजेस आउट ऑफ प्री डिटरमाइंड फंड ऑफ द वेल्थ. सो बेसिकली वही है, जो भी वर्कर्स को वेजेस मिलते हैं वो फंड के अकॉर्डिंग मिलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के फंड के अकॉर्डिंग मिलते हैं. द फंड इज कॉल्ड वेज फंड, क्रिएटेड एज द रिजल्ट ऑफ द सेविंग. जो भी सेविंग होता है, मतलब जो भी प्रॉफिट निकल के आता है उसमें से भी जो बच जाता है उसके अकॉर्डिंगली पे मिलता है. अकॉर्डिंग टू द एडम स्मिथ द डिमांड ऑफ द लेबर एंड द रेट ऑफ द वेजेस डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द वेज फंड. अब अगर हम देखें, एडम स्मिथ ने ये थ्योरी दी है बेसिकली, एंड इसमें क्या बोला गया है कि डिमांड जो होता है लेबर का और जो रेट होता है वेजेस का, मतलब जो पे होता है वेजेस का, वो वेज फंड के अकॉर्डिंग ही मिलता है. अगर वेज फंड ज़्यादा होगा तो सैलरी भी वेजेस भी ज़्यादा मिलेंगे, वेज फंड कम होगा तो वेजेस भी कम मिलेंगे. तो यही है इसमें. ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं रेसिडुअल क्लेमेंट. रेसिडुअल क्लेमेंट फ्रांसिस ए वॉल्कर ने ये डेवलपमेंट करा था इस थ्योरी का, एंड ये कब से कब तक करा था, 1840 से 1897 तक. एंड इसमें ये बोला गया है कि फोर फैक्टर्स होते हैं बेसिकली प्रोडक्शन के लिए,
कोई भी बिजनेस को रन करने के लिए, डेवलप करने के लिए, फर्स्ट वन है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, फोर होते हैं। एंड उन्होंने बेसिकली क्या बोला है, जो ये फ्रांसिस ए वॉल्कर हैं, उन्होंने ये बोला है कि जितना भी पैसा है पहले लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप में लगना चाहिए, और जो बाकी का पे, जो बाकी की जितना भी प्रॉफिट बचेगा, वो जितना भी प्रॉफिट बचेगा वो सब किसको मिलना चाहिए, वर्कर्स को मिलना चाहिए, मतलब लेबर्स को मिलना चाहिए। उनका जो हकदार हैं बेसिकली, वो जो सेविंग्स आएंगे, जो भी प्रॉफिट्स होते हैं, जो हकदार हैं वो कौन है, लेबर्स हैं। तो ये हो गया, ही व्यू दैट वंस अदर थ्री फैक्टर्स आर रिवॉर्डेड, व्हाट रिमेन्स लेफ्ट इज पे टू द वेजेस टू द वर्कर्स। सो बेसिकली जो भी रिमेनिंग बचेगा वो वर्कर्स को मिलना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वर्कर्स आर द रेसिडुअल क्लेमेंट, ठीक है। सो ये हो गया हमारा कंप्लीट रेसिडुअल क्लेमेंट। नेक्स्ट हम चलते हैं सरप्लस वैल्यू थ्योरी ऑफ वेजेस। तो ये कार्ल मार्क्स ने दिया है, ये कब से कब तक करा था उन्होंने डेवलप, 1849 से 1883 तक। बेसिकली इस थ्योरी में ये बोला गया है कि जो भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है लेबर्स के साथ, लेबर्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट किया जाता है, ठीक है, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कार्ल मार्क्स ने यही बोला गया था कि जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है लेबर्स के साथ, वो उनको, उनके साथ नहीं होना चाहिए। जो लेबर्स हैं वो भी पूरे हकदार हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो कोई भी कंपनी को डेवलप करने के लिए, कोई भी कंपनी को रन करने के लिए, वो फुल ऑन मतलब उसके प्रॉपरली हकदार हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, उन्होंने यही बोला है कार्ल मार्क्स ने। अब इन्होंने एक चीज़ और बोली थी कि सपोज़ अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, सपोज़ एक पेन है, ठीक है, एक पेन है, आप देते हो, एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रही हूँ, ठीक है, एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो 100 रुपये देती है एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, एक पेन का पैकेट बनाने के लिए, ठीक है, एक पेन का पैकेट बनाने के लिए 100 रुपये देती है, ठीक है, एक पैकेट के लिए, पेन का पैकेट के लिए, ठीक है। अब वैसे बेसिकली उनके पास कितना, वो तो 100 रुपये दे रही है उसको, लेबर को, लेकिन उनके पास 200 रुपये प्रॉफिट आ रहा है। क्या आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है, उससे आ रहा है प्रॉफिट। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर, वैसे बेसिकली कितना हो गया, 200 माइनस 100 कितना बच गया, 100, ठीक है। सो दैट मीन्स यहाँ पर जो 100 है, 100 जो पे बच रहा है, मतलब जो प्रॉफिट बच रहा है, वो किसको मिल रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन को मिल रहा है, वो लेबर्स को नहीं दे रहे हैं गाइस, ये चीज़ ध्यान रखना, वो लेबर्स को नहीं दे रहे हैं। दैट मीन्स उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनको पे पूरा नहीं मिल रहा है, उनको लेस पे मिलता है, ठीक है। तो उनके साथ ये सब नहीं होना चाहिए, जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वो सब नहीं होना चाहिए, उन्होंने यही बोला था कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। अब हम इसको पढ़ लेते हैं, द थ्योरी वॉज डेवलप बाय द कार्ल मार्क्स, ये हमने क्लियर कर लिया। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द बेसिक अजम्पशन दैट द अदर आर्टिकल लेबर इज ऑल्सो आर्टिकल, उन्होंने यही बोला है कि वो भी एक आर्टिकल है, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं, उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो उनको भी पे प्रॉपर मिलना चाहिए। दिस पेमेंट अकॉर्डिंग टू द कार्ल मार्क्स इज एट द सब्सिस्टेंस लेवल विच इज़ लेस देन द प्रोपोर्शन ऑफ द टाइम लेबर टेक्स टू प्रोड्यूस आइटम। सो बेसिकली वो जो टाइम पीरियड अपना लगा रहे हैं, टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हैं, सब्सिस्टेंस लेवल से मतलब उनके सब्सिस्टेंस लेवल से भी कम उनको पे मिला जाता है, ठीक है, ये बोला गया, जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। उनके साथ अगर उनको प्रॉफिट, आप लोग मतलब उनको प्रॉपर पूरा प्रॉफिट देना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को उनको, ठीक है। सो नेक्स्ट हम चलते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। दिस थ्योरी वॉज प्रोफाउंडेड बाय द फिलिप्स हेनरी विकसीड, जो कि इंग्लैंड के हैं, एंड जॉन्स बैट्स कार्ल, जो कि USA के हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, इसमें कन्फ्यूज ना होना। तो बेसिकली इस थ्योरी में ये बोला गया है कि हर एक वर्कर के पास सेम स्किल है, सेम एफिशिएंसी है, सेम नॉलेज है, सेम एक्सपीरियंस है, तो हर एक लेबर को सेम ही पे मिलना चाहिए। अब ये नहीं है कि एक वर्कर को आप ज़्यादा पे दे रहे हो, दूसरे को कम पे दे रहे हो, ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए, मतलब इक्वल है सब के सब। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी यही है बेसिकली, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वेजेस आर डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन कंट्रीब्यूटेड बाय द लास्ट वर्कर।
दैट इज़ मार्जिनल वर्कर, जो लास्ट वर्कर ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है वही बेसिकली ये थ्योरी को डिफाइन करता है. एंड दिस हिज और हर प्रोडक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्शन. अकॉर्डिंग टू द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी स्टेट्स दैट अंडर कंडीशन ऑफ द परफेक्ट कॉम्पिटिशन एवरी वर्कर, जैसे कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन का है ये, ठीक है. तो इसमें क्या बोला गया है कि जितने भी वर्कर्स हैं जिनके पास सेम स्किल्स है, एफिशिएंसी है, हर एक मतलब एक पर्टिकुलर कैटेगरी के साथ, तो उनको सेम वेजेस ही मिलने चाहिए, इक्वल वेजेस ही मिलने चाहिए, ना कि उनको अलग अलग, मतलब किसी को ज़्यादा किसी को कम नहीं मिलना चाहिए, ठीक है. सो ये हो गया कंप्लीट. अब हम चलते हैं नेक्स्ट में, बार्गेनिंग थ्योरी ऑफ वेजेस. बार्गेनिंग थ्योरी किसने दी थी? जॉन डेविडसन ने दी है ये वाली थ्योरी, ठीक है. इसमें बेसिकली ये बोला है कि जो भी वेजेस रहेंगे वो फिक्सेशन, जो भी वेजेस उनका जो फिक्सेशन रहेगा वेजेस का, वो दोनों के हिसाब से होना चाहिए, दोनों की बार्गेनिंग पावर के बाद होना चाहिए. दैट मींस कि यहाँ पर वर्कर्स के और एम्प्लॉयर्स के, ठीक है, एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स, मतलब ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्कर्स, उन दोनों के बार्गेनिंग पावर के बाद ही वेजेस डिसाइड होने चाहिए, डिपेंड करता है, ठीक है. According to this theory, the fixation of the wages depends on the bargaining power of the worker, या फिर trade union भी कह सकते हैं, and the employers. Employers के साथ का workers और employers का दोनों का एक bargaining power होना चाहिए, so that fixation हो जाए wages का. If the worker are stronger in bargaining process, अगर worker stronger है bargaining process में, ठीक है, then the wages tends to be high. तो क्या होगा, wages obviously high हो जाएगा. इन द केस ऑफ द एम्प्लॉयर प्लेज ए स्ट्रॉन्गर रोल, अगर स्ट्रॉन्गर रोल प्ले कर रहा है, मतलब एम्प्लॉयर की बात वो वर्कर इजीली मान रहे हैं, ठीक है, उनका जो फिक्सेशन रहेगा, तो वो मतलब फिर क्या होगा, जो सैलरी का जो फिक्सेशन रहेगा वो क्या होगा, लो हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉयर का बार्गेनिंग पावर ज़्यादा था. तो यही बोला गया है कि बार्गेनिंग पावर पर डिपेंड करता है ये थ्योरी, ठीक है. अब हम नेक्स्ट चलते हैं, बिहेवियरल थ्योरी ऑफ वेजेस. बेस्ड ऑन द रिसर्च स्टडीज एंड द एक्शन प्रोग्राम्स कंडक्टेड, सम बिहेवियरल साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड थ्योरीज ऑफ द वेजेस. सो बेसिकली बहुत सारे थ्योरीज को डेवलप किया है कुछ साइंटिस्ट ने. बेसिकली इसमें क्या बोला है, दैट देयर थ्योरी आर बेस्ड ऑन द एलिमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज एक्सेप्टेंस टू द वेज लेवल. इसमें ये बोला है कि इस थ्योरी में ये बोला है जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें कि एम्प्लॉयर क्या होता है, एम्प्लॉयज एक्सेप्ट करते हैं वेज लेवल को. जैसे हम बोल सकते हैं इंटरनल वेज स्ट्रक्चर अगर अच्छा है तो क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ का एक्सेप्टेंस रहेगा वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है. सैलरीज अगर ज़्यादा अच्छी है तो वो मोटिवेटर का काम करेगी. तो ये बोला गया इस थ्योरी में, ठीक है. तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा. सो दैट्स इट स्टूडेंट, एंड अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी ऑन कॉमेंट सेक्शन. सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर.